भुवनेश्वर कुमार बन सकते हैं टीम इंडिया के नए कप्तान, मिल सकती है श्रीलंकाई दौरे के लिए कमान। टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर दीप दास गुप्ता ने किया है बड़ा खुलासा, भुवनेश्वर हैं सबसे प्रबल दावेदार। भारतीय टीम जुलाई में श्रीलंका का दौरा करने वाली है। इस दौरे में 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलने हैं। खास बात यह है कि इस दौरे पर टीम इंडिया की बी टीम जाएगी। विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह जैसे कई बड़े नाम इस सीरीज से नदारद होंगे। ऐसे में श्रीलंका की इस सीरीज पर किस खिलाड़ी को मिलेगी कमान? टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर दीप दास गुप्ता का मानना है कि कप्तानी के लिए शिखर धवन रेस में है। हालांकि दीप दास गुप्ता ने कप्तानी की रेस में भुवनेश्वर कुमार को भी आगे बताया है। उन्होंने कहा है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में शिखर धवन टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी होंगे, लेकिन उन्हें कप्तानी का कम अनुभव है। ऐसे में भुवनेश्वर कुमार अगर फिट हैं तो वो टीम की कमान संभालते दिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सनराइज हैदराबाद की कप्तानी कर चुके हैं भुवनेश्वर कुमार। स्पोर्ट्स टुडे से खास बातचीत में दीप दास गुप्ता ने कहा है कि बिल्कुल विराट कोहली, रोहित शर्मा उपलब्ध नहीं है, केएल राहुल भी यहां नहीं होंगे। ऐसे में सीनियर खिलाड़ी को टीम की कप्तान कमान संभालनी चाहिए, जो शिखर धवन है। लेकिन भूलिए मत, भुवनेश्वर कुमार अगर फिट होते हैं तो वह कप्तानी के सबसे अच्छे दावेदार हैं। क्या भुवनेश्वर कुमार आपको टीम इंडिया के नए कप्तान के तौर पर दिख रहे हैं? कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं।